मेरे YouTube चैनल SS Analysis पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले निफ्टी के एनालिसिस पे बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी बुल्स और बीयर्स के कड़े संघर्ष के बीच से गुजर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे कारण हैं आज अपने देश में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कि बाजारों में सेलिंग को बनाए हुए हैं। हम लगातार FIs की सेलिंग देख रहे हैं भारतीय बाजारों में। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है रुपए का लगातार फिसलते जाना, डॉलर का मजबूत होना जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। आइए आज हम चर्चा करें कि आगे बाजारों में क्या स्थिति रह सकती है, जबकि आज भारतीय बाजार बंद थे जिससे हम एक और गिरावट के साथ खुलने से बच गए, परंतु कल क्या होगा। उससे पहले मैं आपका ध्यान कुछ बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेडनेसडे को हमारे शेयर बाजार बहुत ही नीचे गिरकर बंद हुए थे। अप्रैल से लेकर उनका सबसे नीचे निचला स्तर था हमारे निफ्टी और सेंसेक्स का, जिसका मुख्य कारण हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रही, जैसा कि पिछले हफ्ते DHFL ने किया था। DHFL का नेगेटिव इफेक्ट अभी तक बरकरार है भारतीय बाजारों पर। भारतीय इक्विटी में हम लगातार सेलिंग देख रहे हैं। इंडिया बुल्स फाइनेंस भी काफी नीचे गिरकर बंद हुआ। बुधवार को ही फेड मिनट्स आए जो कि काफी हॉकिश थे, जो कि आने वाले समय में और रेट हाइक्स की तरफ इशारा करते हैं, जिसके कारण वर्ल्ड इंडिसेस भी गिरने लगे। विश्व के और कई देशों के इंडेक्सेस ने भी गिरना तेज गिरावट देखी और आज भी हम देख रहे हैं। US की ट्रेजरी यील्ड्स का बढ़ना जारी है। FIs हमारे भारतीय बाजारों में लगातार सेलिंग करते आ रहे हैं। तो यदि हम अक्टूबर के आंकड़े देखें FIs की सेलिंग के, तो 1 अक्टूबर से लेके आज 18 अक्टूबर तक भारतीय बाजारों में FIs ने लगातार सेलिंग की है। वो इन 18 दिनों में करीब 18,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कर चुके हैं, जो कि पूरे सितंबर के महीने में 9,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। वहीं अक्टूबर की 18 तारीख तक 18,000 करोड़ रुपए की FIs ने सेलिंग की है। वॉल्यूम्स बहुत कम है, उसका कारण है रुपए का लगातार फिसलना। आइए देखते हैं कि रुपए की स्थिति आज कैसी है। ये रुपए और US डॉलर का एक 4 घंटे का चार्ट है, तो आप यहां देख सकते हैं कि आज भी रुपया 73.70 रुपए के आसपास तक नीचे आ चुका है और आने वाले समय में ये और फिसल सकता है। इसमें कल थोड़ी सी मजबूती दिखी थी जब ये 73 रुपए के आसपास आ गया था, परंतु आज 73.60 रुपए के ऊपर ये चल रहा है और मैं समझता हूँ कि कल इसका लेवल 74 रुपए जाने से पीछे नहीं रहेगा। रुपया 74 रुपए तक नीचे और जा सकता है कल, जिसका असर हम भारतीय बाजारों पर देखेंगे। तो आइए हम इस चार्ट को अब 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रुपया अभी जो है 73.70 रुपए के आसपास है और सभी मूविंग एवरेजेस इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ से रुपया और फिसलेगा और इसमें कोई शक नहीं कि 74.90 रुपए के ऊपर तक रुपया कल चला जाए, ऐसा मेरा आंकलन है। इसका कारण है डॉलर का स्ट्रांग होना। आइए देखते हैं कि डॉलर के मजबूत होने से क्या हो रहा है। मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि आज इस समय विश्व के अन्य बाजारों की, स्पेशली US के बाजारों की क्या हालत है। ये S&P 500 फ्यूचर्स का एक घंटे का चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर से S&P 500 फ्यूचर्स लगातार सेलिंग इनमें देखी जा रही है। यहाँ शेयर्स पर काफी दबाव है सेलिंग का। आज भी S&P 500 फ्यूचर नीचे का रुख लिए हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो लगातार नीचे की ओर रहेंगे, जिसका असर हमारे भारतीय बाजारों पर भी कल जरूर पड़ेगा, क्योंकि बुधवार से ये काफी नीचे के स्तर पे आ चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि NASDAQ 100 फ्यूचर्स का क्या हाल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हर ऊपर के मूव पर सेलिंग शुरू हो जाती है अमेरिकन बाजारों में भी, और वो अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे तक आ चुके हैं। ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, इसमें आप देख सकते हैं कि
ये भी लगातार सेलिंग प्रेशर के अंडर नीचे की ओर आ रहा है और 27,000 के लेवल से ये आज 25,278 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसमें भी हम लगातार पिछले कई ट्रेडिंग सत्रों से गिरावट देख रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि इन सभी अमेरिकन बाजारों की गिरावट का असर कल हमें भारतीय बाजार में पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं भारत के निफ्टी इंडेक्स की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है अपने पिछले कई एनालिसिस में कि मैं भारतीय बाजारों के की चर्चा, स्पेशली निफ्टी की चर्चा इस एक घंटे के चार्ट में करना चाहूँगा और मैं करता रहा हूँ। यहाँ मैंने तीन डिसिसिव जोन बनाई थी, ये मेरी बियरिश कंसोलिडेशन जोन थी और ये मेरी बुलिश कंसोलिडेशन जोन थी और ये मेरी स्टिफ रेजिस्टेंस जोन थी। आप यहाँ देखें कि यहाँ 16 तारीख को भारतीय बाजार यानी निफ्टी इंडेक्स ने थोड़ा सा जंप लिया, परंतु मैंने कहा था कि यदि वो इससे ऊपर इस रेजिस्टेंस लाइन के इस साइड ट्रेड कर गए तो उन्हें थोड़ा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। उन्होंने इस रेजिस्टेंस जोन के इस साइड तो ट्रेड किया, परंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्हें फिर इस सेकंड अप ट्रेंड लाइन पर, जो कि लाल रंग से मैंने दर्शाई हुई है, यहाँ पर उन्हें कड़ा प्रतिरोध मिला और वो नीचे ही गिरकर थोड़े बंद हुए। परंतु बुधवार को एक गैप अप के साथ ओपनिंग तो हुई, परंतु रुपए के फिसलते के कारण और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बढ़ते हुए अनिश्चितता से भारतीय बाजारों ने अपने गैप अप के सभी अपने बढ़त को खो दिया और वो लगातार आप यहां देखें कि निफ्टी इंडेक्स नीचे की ओर आया और वो ठीक इस लेवल पर उसको रेजिस्टेंस मिला दोस्तों, जो कि मैंने रेजिस्टेंस जोन बनाई हुई है। यहां आप देखें कि सिर्फ इससे वो इसको टच भी नहीं कर पाए थे कि यहां सेलिंग शुरू हो गई निफ्टी इंडेक्स में और निफ्टी इंडेक्स नीचे की ओर आ गया, यानी इस बुलिश कंसोलिडेशन जोन के निचले स्तर को भी तोड़ चुका है। और आप यहां देख सकते हैं कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है और बाकी अन्य मूविंग एवरेजेस भी एक नीचे की ओर इशारा कर रही हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि हम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं एक घंटे के चार्ट में निफ्टी के, जो कि बहुत ही नकारात्मक एक सूचक है और ये एक संदेश देता है कि निफ्टी लगातार दबाव में आगे बनी रहेगी। आज तो भारतीय बाजार बंद थे, परंतु जब कल भारतीय बाजार खुलेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप डाउन हम देखेंगे भारतीय बाजारों में, जो कि निफ्टी इंडेक्सेस को 10,200 के नीचे तक धकेल सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि 10,000 के लेवल पर निफ्टी इंडेक्सेस को कुछ सपोर्ट मिले, परंतु अभी ये कहना गलत होगा कि बाय ऑन डिप्स, क्योंकि वो टाइम नहीं आया। मैं नहीं समझता कि अभी भारतीय निवेशकों को एक बार्गेन हंटिंग करनी चाहिए किसी भी गिरावट में, क्योंकि बाजार का अभी निचला स्तर आना बहुत दूर है। आइए अब देखते हैं इसी चार्ट पैटर्न को एक 15 मिनट के चार्ट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब बुधवार को मार्केट खुला गैप अप ओपनिंग के साथ तो इस सेकंड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पर उसको स्टिफ रेजिस्टेंस मिला और इस जोन को तो वो टच भी नहीं कर पाए, उससे पहले ही सेलिंग शुरू हो गई और लगातार बुधवार को हमने सेलिंग देखी, जबकि हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी थी निफ्टी में, परंतु बाजार के बंद होते होते हमने सारी बढ़त गंवा दी। हम पुनः उन्हीं लेवल्स पर आ गए जो हमारे 16 तारीख को जहां से हमने स्टार्ट किया था। अभी हम 15 मिनट के चार्ट में, परंतु आखिरी कैंडल जो है रेड है और मेरा मानना है कि कल निफ्टी इंडेक्स 10,200 के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। हो सकता है वहां से थोड़ा बहुत रिवर्सल मिले, कुछ शॉर्ट कवरिंग हो, परंतु 10,360 का लेवल फिर से एक रेजिस्टेंस प्रदान करेगा निफ्टी इंडेक्सेस को, जो कि निफ्टी इंडेक्सेस को 10,000 के नीचे तक ला सकते हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, किसी भी डिप को या किसी बढ़त को इस टाइम उस पर विश्वास करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का एक 4 घंटे का मेरा एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग जोन है, जो मैंने पिछले हफ्ते एनालिसिस में बताया था
कि नहीं बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स किस तरफ आएंगे, तो मैंने ये पहली रेजिस्टेंस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी मेरी, मैंने कहा था ये शब्दों में कि यदि बैंक निफ्टी इस फर्स्ट अप ट्रेंड लाइन के ऊपर गया भी तो उसे सेकंड अप ट्रेंड लाइन तक तोड़ पाना मुश्किल है ऊपर की ओर, और वही हुआ कि वो बैंक निफ्टी यहाँ इन वेवर से उसे नीचे की चाल पकड़ी, और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब वो यहाँ इस येलो जोन के अंदर, जो मैंने कहा था कि यदि बैंक निफ्टी इसके अंदर पहुंच भी गया तो यहाँ कड़े रेजिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ेगा, और यहाँ से हम भारी मात्रा में बैंक निफ्टी में सेलिंग देखेंगे। और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे की ओर आ चुका है, अब हो सकता है कि पहली सपोर्ट लेवल पर उसे यहाँ सपोर्ट मिल भी जाए तो वो ज़्यादा देर सस्टेन करने वाला नहीं है। तो मैं बैंक निफ्टी की ओपनिंग कल इन स्तरों पर देखता हूँ, यदि बैंक निफ्टी इन स्तरों पर सपोर्ट भी रहते हैं तो भी यहाँ सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा एक गैप डाउन के बाद, और मुझे लगता है कि वो अपना सेकंड सपोर्ट लेवल भी तोड़ने में कामयाब होंगे। और बीएस की अधिकता अभी वर्तमान स्तरों पर बैंक निफ्टी में काफ़ी अधिक है, जिसका मुख्य कारण है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में के द्वारा क्रिएट की गई अस्थिरता और रुपए का लगातार फिसलते रहना। आइए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के इसी पैटर्न को एक घंटे के चार्ट में, तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा, यहां उसे फिर रेजिस्टेंस मिला और वो उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा 16 तारीख को 15 तारीख को, और जब 16 तारीख को एक हमने एक गैप ऑफ ओपनिंग देखी तो उसे सेकेंड रेजिस्टेंस, ये जो मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, और ये सेकंड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सेकंड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पर एग्जैक्ट इसको एक रेजिस्टेंस मिला, और भारी मात्रा में हमने सेलिंग देखी बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी अंततः इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही बंद हुआ है, जो कि एक इशारा करता है कि अब कल बैंक निफ्टी संभवतः सेकेंड सपोर्ट लेवल भी तोड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक तो हफ्ते का आखिरी दिन है, दूसरी ओर रुपया भी 73-70 पैसे के आसपास चल रहा है, जो कि बैंकों के लिए काफ़ी दबाव डाल सकता है और बैंक निफ्टी काफ़ी दबाव में बना रह सकता है इसके चलते। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सिर्फ उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो कि भारतीय बाजारों में काम करते हैं, निवेशक हैं या ट्रेडर हैं, उनसे कहें कि वो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं रेगुलर अपडेट उन तक पहुंचाता रहूं। एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस मुझे प्रेरित करता रहेगा कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर और अन्य कमोडिटीज पर हिंदी में आप सबको अपने व्यूज़ बताता रहूं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा कोई टारगेट देना नहीं है, ना ही मैं कोई टिप्स देता हूँ, सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की खबरों का हमारे भारतीय बाजारों पर क्या इफेक्ट होता है या उनके टेक्निकल लेवल्स क्या संदेश देते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस है, निवेशकों में जागरूकता पैदा करना है ताकि वो किसी गलत लेवल पर ना फंस जाएं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और उनसे कहें कि वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।